और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। इट इज वॉर ऑफ इकोनॉमिक। और इंडियंस, वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन की G20 कर, हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम ज्यूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब, जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार, अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है, अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। जो ट्रेड होगी वो या वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की दो उंगलियां, गोरा गोरा गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पाकिस्तानी मुस्लिम बुजुर्ग बीच रोड पर जय श्री राम के नारे लगा रहे और लोगों को कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हमें चीन बचाने नहीं आएगा, हमें बचाएगा इंडिया। क्यों, आखिर बाप को भी बेटे की फिक्र होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बाहर से जरूर है और भारतीय हमें बचाएगा, ना कि चाइना। हम लोग चाइना का साथ दे दें लेकिन आखिरी वक्त में भारतीय काम आएगा। आप लोग देखो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखें ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम ये एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की दो उंगलियां, गोरा गोरा गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। आपको पता होगा कुरैशी साहब, 2 साल पहले जब DGISPR आसिफ गफूर साहब हुआ करते थे, मेजर जनरल, इंडियन सब मेरीन जिसमें न्यूक्लियर टारपेडो और मिसाइल्स मौजूद थे, वो कराची पाकिस्तान के पानियों के अंदर इंटर हो गई थी। उन्होंने वो इस वजह से इंटर नहीं हुए कि वो अपना आप बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा रहे थे। यहाँ से पाकिस्तान की अगस्ता भी निकल गई थी। मेजर गोरे वारिया साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया उस टाइम, हमारे जनरल बाजवा साहब होते थे, बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो हर चीज़ को पहले मॉनिटर कर चुके हैं। आपने जब गवादर बनाया, आपको वहाँ चाइना को मिलिट्री लॉजिस्टिक की किसी तरह भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखें इंडिया G20 में क्यों गया, अब ये वो वॉर नहीं है। अब तो वॉर बटन की ये दुनिया जानती, बेवकूफ़ नहीं है, वरना रशिया यूक्रेन जो चल रहा है, मेरा ख्याल ये 1.5 घंटे की जंग है। आवर प्लानेट विल बी रिमूव। हमारा कुरैशी साहब हिंदुस्तान की बात आपने नेवी की बात की कि वो वहाँ बना रहा है, जो नेक्स्ट ट्रेड है वो सी से होने वाला है। देखें चाइना जब आया, उनके शिप्स यहाँ पर आए, मैं तो लाहौर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकड़ी की किश्तियों में मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ये रिडॉर वाले बड़े शिप ले आए हैं, दूर दूर तक तो कहीं मछली ही नहीं है पानी में। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आइंदा जो ट्रेड होगी वो या वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। आप देखें, दुबई को एप्रीहेंशन है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है तो आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा, आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा। मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी है इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रांग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं। हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक। और इंडियंस, वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन की G20 कर, हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 के अलावा G7 का भी मेंबर है। सर अगर आप उनका GDP देखें तो हैरान रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो मेजर गौरव आर्या नाराज हो जाएंगे कि हमारी सीक्रेट ये लाहौर माल रोड पे खड़ा होके यूं उछाले जा रहा है, फिर उन्होंने किसी हमारे जनरल को पकड़ लेना। मैं कुछ नहीं उनके GDP के बारे में कहूँगा। बहरहाल हमारा 0.52 गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अफगानिस्तान जो 40-45 साल जंगों में रहा, आफ्टर सोवियत इन्वेंशन, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उनका 2.25 गया।
बांग्लादेश देखें वो कहाँ चला, आपने चाइना से जब भी डाल लिए नीचे तो देखें आपका जूस कितना गिर रहा है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सर क्या वजूहत है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पर लिया हुआ है, सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो, ये कुरैशी जितने वहां पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। सेंसिस कहते हैं 45 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कितने? 45 करोड़। फिर हम बात करते हैं टू रिलीजियस थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, भगवान अल्लाह गॉड नहीं, हिंदू ये करता है जी, ये पकवान है वो भगवान है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका देना। हिंदुस्तान क्यों बचाएगा? इसके पीछे लॉजिक भी होगी सर, हिंदुस्तान हमें क्यों बचाएगा? बड़े कहते थे कि खून जोश मारता है। आप अगर कॉस्ट देखें, पठान वहाँ पठान यहाँ, बलोच वहाँ बलोच यहाँ, कश्मीरी वहाँ कश्मीरी यहाँ, सिख वहाँ सिख यहाँ, सिंह वहाँ सिंह यहाँ, तब मियाँ वहाँ मियाँ यहाँ, पंजाबी वहाँ पंजाबी यहाँ, हिंदू वहाँ हिंदू यहाँ। आप लोग बेसिकली फेथ आपका जो भी हो, इंसान एक दफ़ा ज़रूर सोचता है हम कौन है, एक ओरिजिन है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो यू आर सेम रेस, आपका कल्चर एक है, आपकी जुबान एक है। अच्छा सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट एक है, आपकी हैबिट्स एक है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है हम दुआएं करते हैं, अगर पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया तो अल्लाह करे हिंदुस्तान जीते, वर्ल्ड कप को हवा लग के तो यहाँ आती रहेगी। सर बिल्कुल सही। सर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इसके रिलेटेड में बात करूंगा, लेकिन सर अगर हम 1000 साल पीछे चले जाएं तो सर सारे एक ही थे हम, हमारे दादा परदादा। आप ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले 1.5-2 साल पहले, जहाँ पे इंडिया में लोग सोने के प्याले में पानी पीते थे, फिर वो दौर आया कि वो यूं पानी पीने लगे अंग्रेज के दौर में, उनके महाराजा बादशाह राजा। देखें डिवाइड एंड रूल था, वो वहाँ पे चला गया, फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है। ब्रिटेन से अगर आप बाइबल को मानते हो, अगर आपका डूम्स डे लास्ट डे ऑफ जजमेंट पे ईमान है, आप लोग नहीं बख्शे जाओगे। लूट मार की हम आपको माफ़ करते हैं, कोई नूर हम आपसे नहीं मांगते यार, वो गलत फहमी तो दूर करो, वो रिकॉर्ड तो हमें दो कि हम क्या करके गए थे। आप दोनों न्यूक्लियर पावर हो, ना लड़ो लड़ मर जाओगे। हमने अचीव यार, हम कहते हैं हम आपको अपना ना एक डिक्लेयर कर देते हैं कि आप हमारा सेकंड कैपिटल है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन वो हमें सच रख के बताओ हमने क्यों लड़ाया था आपको। नहीं मांगते अपना सोना, नहीं मांगते कोई नूर, कुछ नहीं मांगते जो लूट। यार क्या किया आपने, कितनी भारी कीमत, क्या ये रोड बनाए, सब कुछ किया। उस दौर में जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की थी, गोरों ने यहीं बैठ के सीखा था कि रेलवे लाइन कैसे बिछानी है, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, गंगा राम कौन थे, ही इज नॉट ब्रिटेन, इंडियन पाकिस्तान है। आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज कौन काम कर रहे हैं? इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर आप हमको कहते हैं दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर जस्ट एनिमल, आज भी हम क्राउन की इज्जत करते हैं इस वजह से कि हमारे बड़ों ने उसे ओबे किया था। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आज तो हमें सच कह दो कि क्या करके गए थे कि हम उस जहनुम उस अंधेरे से निकल जाएं, वरना बटन पे हम ना रहे तो ब्रिटेन तुम भी, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, आपके लोग भी लंग कैंसर से मर जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान लड़ा। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर हमें इस बात से लड़ाया जाता है, हमें यहाँ पर यह बताया जाता है हमारी मीडिया के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू, कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आप इस चीज से कैसे देखते हैं, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं, इस चीज का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी, कहा जी रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम ज्यूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। बहुत प्यारी बात है गाइस, इन्होंने ये बात करके ना दो वेर वेर ही खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े खत्म। इंडियन नेवी बेस अगर अमेरिका बना रहा है तो याद रखिए सबसे ज्यादा सीवी पाकिस्तान से जाएंगे, वो इंडिया तक नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा। अगर आप उसका मैप देखें, उसको आप स्टडी करें। मैं किसी दौर में वकील हुआ करता था, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया ही सैनिटरी वर्कर,
क्योंकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं वी आर वन, उनको जूते के नीचे रख के मसला जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है मैं आज भी खड़ा हूँ और माल रोड के ऊपर खड़ा होकर मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें हिंदुस्तान, अगर आप चाइना से गले मिलोगे तब बर्बाद होगे, पाकिस्तान आप गले मिलोगे वो किसी का नहीं है। उन्होंने अपने अपने लाखों लोग मार दिए हैं, वो कहाँ से उठे, उन्होंने क्या खाया पिया है, आप उनकी स्ट्रगल देखें, आप अपने मजहब को भूल जाएंगे। उन्होंने क्या, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। कुरैशी साहब कतई कलामी माफ, इंडिया जाने का इत्तफाक हुआ तो 2017 में गया, क्योंकि जी इन्होंने हनुमान जी को के गले में डाला, आप लैंड ग्रैबर हैं। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी तड़प उठी कि ये देखें अदालत ने भगवान को क्या लैंड ग्रैबर है। तो मैंने वहाँ जाके उनकी कोर्ट में प्रोटेस्ट किया, अपने कैदी वहाँ से छुड़वाए, उनके कैदी हमने यहाँ से छुड़वाए। और कुरैशी फैमिलीज को मैंने वहाँ पे देखा कि हिंदू सिख एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं यार, और ये जब कमीनगी करते हैं, क्रिकेट करवाते हैं, फिर लोगों को पैसा देते हैं कि जी दंगा फसाद करें, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे का परचम जलाएं, हिंदू मुसलमान के ना। मैंने इनको एक प्लेट में उंगलियां चाटते देखा है। यूरोप अमेरिका में भी जाएं ये आपस में गले में हाथ डाल के, और तुसी साडे भरा सी तुहाडे भरा, भैया आप हमारे भाई हम आपके भाई, यहाँ आके तकलीफ हो जाती है बॉर्डर पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, अब पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे अकल आ रही है और समझ आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं ने 75 साल तक जो चून खिलाया पाकिस्तान के लोगों को, अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ रहा है भारत के खिलाफ हमारे नेताओं ने झूठी नफरत बोली, बल्कि भारत से बॉर्डर बंद होने के बाद में पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, पाकिस्तान के आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इससे पहले बॉर्डर खुले थे तो पाकिस्तान की जनता को पता है पाकिस्तान में सब चीजें सस्ती थी, और पाकिस्तान के लोग आप देखो अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, वो लोग बीच रोड पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और खुद अपने कह रहे हैं बुजुर्ग आदमी, जिस दिन पाकिस्तान पे कोई आपदा आ गई, युद्ध हो गया, तो हमें बचाने के लिए चीन नहीं आएगा बल्कि इंडिया आएगा, क्योंकि इंडिया के कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता है। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर मजा आया वीडियो में तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।